क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महिला से करवाया जा रहा शराब लाने का काम, पुलिस ने शराब के साथ किया महिला को गिरफ्तार। चोरी करने गए युवक को परिजनों ने पकड़ा, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। बिहार केसरी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती, कल्याण मंत्री संतोष मांझी रहे मौजूद। पुलिस कर्मियों की देखी बड़ी लापरवाही, जेल में कैदी दिखा रहे हैं ताश खेलते हुए दिखा रहे। निजी क्लिनिक की काली करतूत आई सामने, परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर नालंदा से है, जहां जिले के हिलसा उपकारा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि उपकारा के अंदर वार्ड में बंद कैदी अंदर बैठकर ताश खेल रहे हैं और जमकर मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। वही इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। में भी एक वर्ड आ रहा था कि भागलपुर भेजा जाता है, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया गया था। और ये जो कैदी ट्रांसफ़र हुए हैं 7 अक्टूबर के आसपास, उससे पहले का ही होगा। और एक और चीज़ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वीडियो जानबूझ के बनाया गया था, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ जेल प्रशासन को धमकी भी दिया था। पूर्व में यह सब शिकायतें प्राप्त हुई थी कि धमकी दिया जा रहा है, इसी आधार पर उनको यहाँ से हटाया भी गया है। तो शायद कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को दबाव में लेने के दृष्टिकोण से वो वीडियो तैयार करके रखा गया था, जो बाद में वायरल किया गया है। नवादा के गांधी इंटर विद्यालय में बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस समारोह में बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष मांझी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने श्रद्धांजलि दिया। मंत्री ने कहा कि श्री बाबू किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, बल्कि बिहार के साथ पूरे देश के नेता थे। बिहार केसरी कृष्ण बाबू जी के जयंती के समारोह में आज कार्यक्रम किया गया है। हम लोग सौभाग्य की बात है और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजर को कि मुझे ऐसे विभूति के कार्यक्रम में और ऐसे बिहार के लाल के जो उनको याद करने में और हम लोग कुछ उसकी उनकी वीर गाथा में जो कुछ बोल सकें, इस तरह कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम, क्योंकि वो एक किसी एक व्यक्ति विशेष और किसी जाति के नेता नहीं थे, वो एक बिहार के नेता थे, बिहार ने पूरे देश के नेता थे। उनके लीडरशिप में बिहार बहुत ही तरक्की किया, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, उन्होंने बिहार का गौरव हासिल किया है, बिहार को गौरव प्राप्त करने का जो उनके अंदर मादा था। और इतने सालों से 24 साल आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी 24 साल मुख्यमंत्रित्व काल में जो कार्य किए हैं, उसको हम लोग जो स्वर्णिम काल था उसको याद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। खबर लखीसराय से है, जहां नाबालिग के साथ शराब की तस्करी करने वाली महिला पुलिस को गिरफ्तार किया गया है। और छानबीन करने के बाद पता चला कि महिला के पास से शराब की 20 बोतल बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने महिला पर कार्रवाई करते हुए महिला को जेल भेजा और मामले की छानबीन में जुट गई। खबर नालंदा से, हिजाज जिले के राजगीर थाना अंतर्गत कुड़ाक टीवीएस शोरूम में चोरी होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और शोरूम में चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें, इन चोरों के पास एक होंडा एक्स ब्लेड मोटरसाइकिल और सीसीटीवी कैमरा डीवीआर के साथ एलडी मॉनिटर बरामद किया गया। से कुछ अज्ञात चोरों द्वारा वहाँ से बाइक चोरी की गई थी, जिसमें 4 बाइक और डीवीआर, टीवी और सीपीयू, कुछ चाबियाँ थी, बाइक नई बाइक की चाबियाँ थी, यह सब चोरी कर ली गई थी। उसके पश्चात एसपी नालंदा के निर्देशन में
पश्चात हम लगातार छापेमारी कर रहे थे, उसी में हम लोगों ने इन अज्ञात चोरों को गिरफ्तार किया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। मैं कुशेश्वर शर्मा उत्कर्मित मध्य विद्यालय भक्ता टोला का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। मैं दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर राघोपुर प्रखंड वासियों एवं सुपौल जिला वासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। सबों के घरों में लक्ष्मी वास करे, ये मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं नवीन कुमार छिलौनी उत्तर प्रतापगंज जिला सुपौल की ओर से आप सारे ग्राम वासियों, प्रखंड वासियों, जिला वासियों को छठ और दीपावली की ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सबों पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रणाम। मैं विनोद कुमार बैठा और स्टेशन बैठा सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय मुसौरी टोला दक्षिण परमानंदपुर प्रखंड राघोपुर जिला सुपौल बिहार की तरफ से आप समस्त ग्राम पंचायत वासी, प्रखंड वासी एवं जिले वासियों को दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर आप सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सबों पर अपनी कृपाएं बनाए रखें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हुए खबर की ओर, खबर मोतिहारी से है जहां पर एक निजी क्लिनिक की काली करतूत सामने आई। शहर के प्रतिष्ठित साई अस्पताल में एक युवती के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। ऑपरेशन के बहाने क्लिनिक में लड़की के हाथ पांव बांधे, वहीं परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर युवती के साथ हाथ पांव बांध कर गलत काम करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। सदर अस्पताल में मृतिका के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बलात्कार की पुष्टि होगी। ऑपरेशन के रिस ले लेला, कोई तरह हम रिस लेके करा दे हम ऑपरेशन, तो अपन जिम्मा ले लेला, कुछ ना होई। आ हमरा लड़की के गलत ऑपरेशन कर देला, लागल दे फूले तेपरो कोई तनी रेफर कर हम जाऊ तो नाम ठीक कर दे ना ठीक कर दे। आ लड़की लंग हम जाय नहीं के दे, देखे नहीं के दे, हमरा लड़की के गोर हाथ बार के मुंह में टेप साट दे रहला के जे जा। ये यहां आया था लोग भर्ती, पाँच छः दिन से वहाँ यहाँ रखा गया था। इसमें उन लोगों ने क्या किया कि ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दिया है, उसके बाद में मुंह बांध दिया था, गोर बांध दिया था, हाथ बांध दिया था। क्या लगता है आपको क्यों ऐसा किया गया, हाथ मुंह बांध दिया? अब तो हम नहीं जान रहे हैं सर, क्या किया गया नहीं किया गया। जाए नहीं जाए देर भी नहीं कर देखे लगे मेरा, इसको बार नहीं देखने दिया है। एक बार हम लोगों को जाने नहीं दिया गया, मरीज के जाने देखा कहीं ना नहीं। कौन सी ऑपरेशन भर लगा? अपेंडिक्स का ऑपरेशन भर दिया। तो छोटा सा ऑपरेशन हो गया जी? छोटा, बहुत छोटा ऑपरेशन हो गया। कर रहा था, दूसर कुछ भी नहीं करा रहा था। हम कहे जी इसको तोड़िए, मेरा मरीज कहीं काल कर दीजिए, तो तुमको हिम्मत है तोड़ने का? तो हम बोले हैं जी हाँ हम तोड़ेंगे, तो हाँ जाइए तोड़िए। हम कहे हैं जी हम अपना सब परिजनों के चलिए हम लोग तोड़ते हैं, लाश निकालेंगे। लाश निकाल के बाहर लाश के ताला मार के रखने का क्या बात है। खबर नवादा से है जहां जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में हथियार के बल पर गलत करने के नियत से घर में घुसे एक युवक को परिवार वालों ने पकड़कर जमकर पीटा और उसके बाद आरोपी युवक को पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद पुलिस जख्मी युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। बता दें युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी
सच साहस।